दुनिया फिल्म में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम मेडिटेशन आसना की सीरीज में ही सातवीं कड़ी, जो कि हमारी अंतिम कड़ी है, इसमें हम देखने जा रहे हैं ध्यान वीरासन, यानी कि हीरो मेडिटेशन पोज। यह बड़ा ही प्रभावी होगा मित्रों, एक अल्टरनेटिव मेडिटेशन पोज के रूप में। अगर आप और सब पद्मासन नहीं कर पा रहे हैं, सिद्धासन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसे आजमाइए, एक अल्टरनेट के रूप में लीजिए। और इसके बेनिफिट मैं आपको करने के दौरान ही बताते रहूंगा। तो आइए सबसे पहले हम इसके स्टेप्स और प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो इसके लिए एक योगा मैट पर, बेहतर जगह पर, बेहतर स्थान पर आप बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को अपने शरीर के सामने करके इस तरह से अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा शरीर के सामने करके हम बैठ जाएंगे, जो कि हमारी प्रारंभिक स्थिति होती है किसी भी ध्यान आसन में आने के लिए, जिसे हम दंडासन भी बोलते हैं। तो इस प्रारंभिक स्थिति से मित्रों हम क्या करेंगे, अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे और इसे मोड़कर राइट थाई के नीचे, हिप के नीचे लेके चले जाएंगे। आपका ध्यान रहे कि लेफ्ट हील जो है वो राइट बटक को टच करे। इस तरह से हम अपने हील पर ही कायदे से बैठ जाएंगे और राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट बटक को टच कराएंगे हील से, इस तरह से। और अपने शरीर को एडजस्ट करता हुआ दोनों घुटने को बिल्कुल एक दूसरे पर रख लेंगे। दोनों घुटने हमारे सीध में आ जाएंगे। अब आप अपने दोनों पैर, दोनों हाथों को यहां पर ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, और शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए। हमारी गर्दन, स्पाइन बिल्कुल सीधा हो, आंखों को बंद कर लीजिए और अपने ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। इस तरह से यहाँ क्या हो रहा है मित्रों, हम अपने थाई मसल के आउटर, जो कि हमारे क्वाड्स मसल हैं, इन पर काम कर रहे हैं। हम बाकी सब आसनों में क्या करते थे, इनर पर काम करते थे, हैमस्ट्रिंग पर, और यहाँ आउटर पर काम कर रहे हैं। इस आसन में हमारा मैक्सिमम भाग शरीर का जमीन से सटा हुआ है, जिससे हमारे पेल्विक एरिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रेच आ रहे हैं पेल्विक एरिया में, जो कि हमारे प्रजनन तंत्र को बेहतर बनाएगा, हमारे पेल्विक एरिया के मसल्स को मजबूत करेगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएगा। इसी को आप पैर बदल के फिर से कर सकते हैं, राइट को यहाँ बटक के नीचे और लेफ्ट को दूसरे बटक, यहाँ बटक के रख के बैठ गए। और ध्यान यह देना है, आप धीरे धीरे अभ्यास करके दोनों घुटने को एक सीध में ले आना है मित्रों, यहाँ ऐसे रखना और यहाँ आके आप सीधा हो जाएंगे। यह है हमारा ध्यान वीरासन, हीरो मेडिटेशन पोज। इससे आपके आउटर थाई मसल पर हम काम कर रहे हैं। आप ध्यान में लंबे समय तक बैठिए। और इसकी अगर कंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए, अगर आप घुटने के दर्द, साइटिका या सरकास्टल डिजीजेस से, डिसऑर्डर से आप ग्रस्त हैं, तो इसे नहीं कीजिए। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ ध्यान वीरासन किए होंगे, हमारे साथ अंत तक बने रहे। इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।